और वहां पर रनिंग हैंड टच करते हुए बहुत जबरदस्त पॉइंट निकाला है वहां पर गौरव ने, तो गुजरात का भी खाता खुल चुका है। तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर गुजरात की, लेकिन महाराष्ट्र के लिए अब देखना होगा कि किस तरीके से अब वो कोशिश करेंगे कि 2 अंक से आगे हैं। ये पहला मुकाबला है आज का, 70th सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो अहमदनगर में हो रहा है। बोनस के साथ लौटे हैं असलम इनामदार, तो एक और अंक मिल गया महाराष्ट्र के लिए। तो ये बोनस निकालने का जो एक प्रयोजन है ये बहुत ही लाजवाब है। चलिए गुजरात के लिए यहां पर ब्लॉक कर दिया, बहुत ही शानदार। जैसे ही लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की कोशिश थी रेडर की, वहां पर राइट कॉर्नर जो है महाराष्ट्र के उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और कृष्ण कुमार पंड्या, किशन कुमार पंड्या को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर महाराष्ट्र के मयूर कदम ने रोक लिया, ब्लॉक कर लिया। तो महाराष्ट्र का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4-1। यही एक मौका होता है यहां पर, क्या आकाश ने एक, जी बिल्कुल, जबरदस्त अंदाज में एक कहते ना कि बॉडी टच मारा मिघाली। ये बहुत ही एक्रोबैटिक और एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज का एक अटैक था। ये सभी, ये रेडर है गौरव राजपुरोहित, घेर लिया महाराष्ट्र ने, मानो मतलब बवंडर में अगर कोई कश्ती फंस जाती है ना, उस तरीके से घेर लिया। और फिर एक बार वहां पर, इस बार जो इनफैक्ट कमाल दिखाया था वो राइट कॉर्नर ने दिखाया था, और राइट कॉर्नर पर शंकर गदाई जो थे इन्होंने बिल्कुल एक बवंडर में घेर लिया, और गुजरात अब लगातार मुश्किलों में फंस रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फिर एक बार आकाश शिंदे ने एक और पॉइंट निकाला है। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र का, अब सिर्फ 3 ही गुजरात के खिलाड़ी रह गए हैं। पहले 2-3 मिनटों में ऐसा लगा था कि गुजरात थोड़ा सा कुछ बात बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो लगातार जबरदस्त रेड्स डाले हैं असलम ने और आकाश ने, और साथ ही में डिफेंस ने जो कमाल किया है महाराष्ट्र के, उसकी वजह से एक अच्छी खासी लीड ले ली है। यहाँ पर एम्प्टी रेड लगाई है, यहाँ पर मौका हो सकता है। अब 3 ही खिलाड़ी अब गुजरात के मौजूद है, असलम वहां पर कोशिश में कि जल्दी से जल्दी एक ऑल आउट किया जाए। यहाँ पर लाइन जंप लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छा थाई होल्ड कर लिया शानदार तरीके से, 2 अंक निकाले, सुपर टैकल, क्या बात है। तो गुजरात को आप ऐसे ही कम नहीं आंक सकते, वहां पर लाइन जंप लगाकर एस्केप करने की कोशिश थी, लेकिन शानदार अंदाज में थाई होल्ड करते हुए, बस कहते हैं ना कि वो टेक ऑफ लेने वाला जो हवाई जहाज था वहां से झप करके नीचे पकड़ लिया। इस बीच बेहतरीन ब्लॉक, और महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने एक शानदार अंदाज में, हेलो, जो गुजरात के 12 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी थे किशन कुमार पांड्या, इनको ब्लॉक करके बाहर निकाल दिया है। 8-3 से बढ़त मिल गई है यहां पर महाराष्ट्र को। फिर एक बार बहुत बेहतरीन अंदाज में गुजरात ने सुपर टैकल, सुपर टैकल, सुपर टैकल, यस, सुपर एंकल टैकल होल्ड का पंकज यहाँ कमाल। पर आदित्य इधर रेड के लिए, पहले तो असलम को झटका मिला और ये दूसरा झटका आदित्य को, जैसे ही कॉर्नर जोन में के गए गए तो डाइविंग एंकल होल्ड, और ये बढ़िया ग्रिप बना के हाँ रखे और ग्रिप छोड़ी नहीं जी, उन्होंने लास्ट तक, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ग्रिप छोड़ेंगे ये तो ग्रिप खतरनाक साबित हो सकती है। और ये आदित्य की भी टैकल, मैं ऐसे कहूँगी कि पंकज गुजरात कमबैक कर रहे हैं मैच में, और कमी नहीं समझना चाहिए किसी भी डिफेंस को या रेडर को। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए 3 ही खिलाड़ी थे, 2 बार उन्होंने सुपर टैकल किया, और अब धीरे धीरे करते हुए उनका हौसला भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र पहले 2-3 मिनटों में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ चुका था, लेकिन गुजरात ने कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, इनको कम मत आंकना मेघाली। कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैच की शुरुआत है, अंदाज़ा नहीं है रेडर को डिफेंस का कि गुजरात की डिफेंस किस तरीके की है। तो अभी करेक्ट, नेक्स्ट टाइम जो असलम और आकाश से गलती हुई या आदित्य से हुई है, वो और यहाँ पर क्या संकेत सावन गलती कर रहे हैं,
क्या एडवांस टैकल करने के लिए आए? और हाँ हाँ पंकज, यहाँ पर एडवांस टैकल की कोशिश बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और रेडर बक लाइन पर थे, उन्होंने देखा नहीं कि रेडर को अंदर आना चाहिए, अटैक इनिशिएट नहीं किया था, रेडर से कुछ भी कोशिश नहीं की थी, उनको एक पॉइंट गिफ्ट में दिया संकेत सावन ने। बिल्कुल, संदीप गुर्जर ने वो पॉइंट निकाला और यहाँ पर ब्लॉक करते हुए ओहो असलम ने कर दिया कमाल, आधे अधूरे मन से गुजरात के संदीप गुर्जर। ओहो अच्छा, मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि असलम ने मिड लाइन को टच कर लिया था, लेकिन ये तो बाहर निकल गए। इट्स वेरी स्लो मूवमेंट, पता नहीं असलम की मूवमेंट इतनी स्लो आज तक कभी नहीं देखी, शायद वो मेंटली थोड़े प्रीपेड नहीं है पंकज, क्योंकि एज अ रेडर उनकी स्पीड और एजिलिटी हम देखते आए कि किस प्रकार से वो स्केप करते हैं, तो थोड़ा लूज खेल रहे हैं, माइंड सेटअप नहीं है, शायद गुजरात की टीम है, लेकिन अगर स्कोर देखा जाए पंकज तो खाली एक पॉइंट का लीड महाराष्ट्र के पास है, लेकिन चलो अभी टैकल तो नहीं हुई, पॉइंट लेके गए असलम, लेकिन यहाँ पर अभी भी प्यादा मौजूद है महाराष्ट्र का आकाश शिंदे। जी मुझे ऐसा लगा था, देखिए 8-2 की लीड थी महाराष्ट्र के पास और आकाश शिंदे को एंकल होल्ड से पकड़ लिया, जकड़ लिया और चित कर दिया और स्कोर्स लेवल। ओहो ये हो क्या रहा है पंकज, मतलब पहले असलम के टैकल और टैकल कौन कर रहा है पंकज, देखो गुजरात के लेफ्ट कॉर्नर पे कौन मौजूद है, राइट कॉर्नर कंटिन्यूअसली ही टैकल कर रहा है एंकल होल्ड पे जी। तो मुझे ऐसे लग रहा है अगर कोई डिफेंस में आपको लगातार वहां से टैकल कर रहा है तो आपको सावध होना चाहिए और आपको तुरंत ही आपके थोड़े स्टेपिंग या फुटवर्क है तो अलग टाइप से आपको स्टेपिंग फुटवर्क चेंज करके खेलना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र को डू और डाई पर जाना पड़ रहा है, अब सुपर टैकल का एक मौका है, 3 खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर, गुजरात के हौसले बुलंद और यहाँ पर ये एक और जबरदस्त बात हो सकती है। जी हाँ, एक खिलाड़ी को टच करते हुए रेडर गौरव राजपुरोहित ने 2 अंक निकाले हैं, वहां पर एक नहीं 2 अंक निकाले हैं, और देखिए जहां पर महाराष्ट्र 8-2 की बढ़त लेकर आगे था मेघाली, अब गुजरात ने बढ़त बना ली है। किरण मगर ने तो एंकल होल्ड का प्रयास किया था लेकिन सामने से शंकर गदाई का सपोर्ट लेट गया पंकज। शंकर गदाई अगर फास्ट मूवमेंट पे जाते थे, प्रॉपर सपोर्ट देते थे, डिफेंस को प्रॉपर कोर्ट से आउट ऑफ बाउंड नहीं कर सके रेडर, इसके लिए रेडर सक्सेसफुल हो गया। अरे ये तो महाराष्ट्र पर ऑल आउट की नौबत आ चुकी है, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं ये सोच रहा था कि महाराष्ट्र इस फिराक में होगा कि गुजरात को कैसे जल्दी ऑल आउट किया जाए, ये तो पासा उल्टा ही पड़ गया। और प्रणय राणे हैं अब आ चुके हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, बोनस निकालने की कोशिश वहां पर, क्योंकि सारे के सारे गुजरात के खिलाड़ी मौजूद है तो बोनस मिल सकता है, लेकिन बोनस से बात नहीं बनेगी यहाँ पर रनिंग हैंडल की कोशिश मेघाली समय निकलता जा रहा है, गुजरात खींच रही है शिकार को अपने जाल में धीरे धीरे करते हुए। ओहो क्या ये पैर थोड़ा सा उनका मुड़ गया, मैंने मैच के शुरुआत में ही कहा था कि किसी को कमी मत समझना क्योंकि नए चेहरे और किसके पास, यस यस महाराष्ट्र ऑल आउट तो अभी नहीं रिवाइव किया है उन्होंने, ऑल आउट हो गया महाराष्ट्र पंकज, मतलब क्या कहे इस मूवमेंट को पता नहीं चल रहा है, मतलब हम लोग एक तरफ से माइंडली प्रिपेयर थे क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात के ऊपर ऑल आउट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो महाराष्ट्र ऑल आउट होते हुए दिखाई नजर आ रहे। मेघाली आ शू थयू महाराष्ट्र साथे, बताओ बताओ आज जलसो छे गुजरात मा। गुजरात मा अभी यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं, रिवाइवल हुआ है और आदित्य शिंदे अभी मैट पर आया है, प्रणय राणे को अभी आउट ऑफ द मैट किया महाराष्ट्र ने, मतलब एक रेडर बढ़ाया है, असलम और आकाश की जैसे टैकल हुई प्रणय की मतलब नाकामी अब रेड, तो अभी उनको रेडर की जरूरत है जो वहां से पॉइंट लाए। ये धमाल है मेघाली, ये बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र के लिए पहले हाफ में, हालांकि कबड्डी में 5 मिनट में 2 मिनट में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन गुजरात ने जिस तरीके से जोश और जज्बा दिखाया है दैट हैज बीन सेंसेशनल। और अब देखिए गुजरात इस मुकाबले को थोड़ा सा धीमा धीमा करेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4 पॉइंट की लीड है, एक बार ऑल आउट कर चुके हैं, अब महाराष्ट्र को ललचाना है, फंसाना है, लेकिन यहाँ पर आकाश ने फसाया पंकज। मैं यही कहूंगी कि ये मैच्योर प्लेयर की निशानी है, अगर आपको किसी आकाश शिंदे के 5-6 रेड्स उसमें टच पॉइंट उन्होंने 4 लिए, स्ट्राइक रेट उनका 67% है, मतलब आकाश धीरे धीरे आकाश दिखाएगा, आसमा दिखाएगा गुजरात को।
लेकिन किशन पंड्या है फिलहाल, कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करते हुए एक हैंड टच मारे, कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी ये कर रहे हैं कि टाइम निकाल रहे हैं। देखिए ये अच्छी रणनीति है, टाइम निकालो, तकलीफ दो थोड़ा सा पहले हाफ में, भले ही एम्प्टी रेट डाले जाए, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है फिलहाल गुजरात की। स्ट्रैटेजी वैसे ही रखनी पड़ेगी क्योंकि पंकज देखिए उनके पास कोई हुकुम का इक्का रेडर नहीं दिख रहा है मुझे, वो खेलेंगे डिफेंस के ऊपर। और आकाश शिंदे की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 रेड पॉइंट्स है, एक बार उनकी टैकल हुई है, एक अनसक्सेसफुल रेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो अनसक्सेसफुल होंगे क्योंकि उनको भी अगर मापदंड निकालना है सामने वाले डिफेंस का तो मैच के शुरू में थोड़ा टाइम तो जाता ही। चलिए एम्प्टी रेड के साथ अब डू और डाई रेड है फिलहाल गुजरात की। अनिरुद्ध गढ़वी आए हैं, 3 पॉइंट इनफैक्ट 2 पॉइंट की बढ़त है फिलहाल गुजरात के पास और इसी को बरकरार रखना पड़ेगा। लाइन जंप लगाने की कोशिश है लेकिन ये ऐसा लगा एक पल के लिए कि रेडर छूट गया था, लेकिन आखिरकार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया महाराष्ट्र ने और दबोच लिया वहां पर अनिरुद्ध गढ़वी को, और इस हिसाब से डू और डाई का जो मौका था ये नहीं सही बना। असलम आ गए हैं अगली रेड के लिए। असलम आ गया लेकिन 5 का डिफेंस है यहाँ पर गुजरात का। जिस तरीके से असलम का मतलब आज का जो रुख है रेडिंग का, तो असलम थोड़े से मुझे डाउन नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको डाउन बोलूंगी नहीं, वो कब कहाँ पर खुखार मचा देंगे। असलम इनामदार है वो, ये रनिंग हैंड टच शानदार, कमाल का हैंड टच। ये मेघाली आपके लिए करारा जवाब था, आप उनके उनके हौसलों को सवाल उठा रही थी ना उनके हौसलों पर, लीजिए ये आपके लिए करारा जवाब था। अब स्कोर्स बराबर हो चुके हैं, गौरव आ चुके हैं यहाँ पर। अब अगली रेड के लिए कोशिश होगी कि एक हाथ पॉइंट निकाले, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अपने अपने पोजीशन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए पहला ही मैच है, नया टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर जो फुटवर्क है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हम फुटवर्क पे रखेंगे और स्कोर टेबल पे भी ध्यान रखेंगे, अभी तो मैच फिलहाल इक्वल चल रही है। आकाश शिंदे रेड के लिए मुझे नहीं लगता कि हर्षित वो पंकजों के खाली हाथ जाएंगे क्योंकि उनके रेड से ही लग रहा है कि वो जिस एग्रेसिव रेड कर रहे हैं कि अरे ये वापस से व्हाट अ टैकल पंकज, राइट कॉर्नर ने वहां पे लगातार टैकल शिकार बना रहे हैं आकाश शिंदे को। आकाश जैसे ही आया देख सकते हैं आगे बढ़ा और जैसे टर्न लिया राइट कॉर्नर पीछे ले गया, डाइविंग होल्ड किया, थाई होल्ड, कमाल का टैकल पंकज। फिर एक बार आपको करारा जवाब दिया है, बहुत ज्यादा आप सवाल उठा रही है लेकिन करारा जवाब दिया है गुजरात ने। क्या हाफ टाइम तक वो थोड़ी एक हाथ 2 पॉइंट की भी अगर बढ़त ले लेना तो उनके लिए बड़ा एक मनोवैज्ञानिक फायदा हो सकता है। और गुजरात ने आज जिस तरीके से एक बड़े ही मैच्योर अंदाज में टीम वर्क दिखाया है ना, इसका फायदा अब तक उनको हुआ है। मैंने मैच के शुरू में ही कहा था, देखो मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ पंकज, लेकिन ये अभी आदित्य शिंदे है, उभरता सितारा है, प्रोफेशनल लीग का इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अच्छा रेडर है महाराष्ट्र का, तो आज उम्मीद करेंगे चलो असलम नहीं आकाश नहीं तो आदित्य कुछ कमाल कर जाए इस मैट पर। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरीके से रेडर रेड कर रहे हैं महाराष्ट्र के पंकज, तो उनको गुजरात के डिफेंस का कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। करेक्ट क्या हो रहा है, देखिए गुजरात ना बहुत अच्छी तरीके से टीम वर्क दिखा रहे हैं, वो उनको पता है जैसे आपने कहा ना कि उनके पास कोई तुरुप का इक्का नहीं है, तो वो मिलजुल कर पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ पर रनिंग हैंड टच की कोशिश थी गौरव की, लेकिन लगातार वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, ये बहुत ज्यादा डीप चले गए, लगातार लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की कोशिश में यहाँ पर फंस गए और वो कहते ना बवंडर में फंस गए वो, एंड गौरव का शिकार कर लिया। मयूर कदम सामने राइट कवर पे और आप इतने डीप जाओगे तो चांस ही नहीं है क्योंकि मयूर कदम अच्छा राइट कवर है और उसकी जो टैकल रहते हैं पंकज मतलब बहुत कम अनसक्सेसफुल होते हैं अगर वो बराबर टाइमिंग पकड़ ले रेडर का तो, लेकिन यहाँ पर रेडर है असलम इनामदार। और असलम की जो जो चपलता देखी है यहाँ पर, फिर एक बार एस्केप करने की कोशिश थी, थोड़ा सा डुबकी टाइप लगाने की कोशिश थी, लेकिन अच्छे तरीके से अच्छे टीम वर्क के साथ गुजरात ने असलम को ट्रैप किया। असलम की मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से वो बैठकर टो टच करते हैं ना, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कमाल की, लेकिन इस बार टीम वर्क के सामने वो टिक नहीं पाए, गुजरात ने फिर एक बार लीड ले ली है। अगर वो कॉर्नर जोन में जा रहे
राइट कॉर्नर जोन में वहाँ पर उनकी टैकल हो रही है, अगर वो सेंटर जोन से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर भी उनकी टैकल हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पंकज की उनको थोड़ा स्लो होना चाहिए, अगर उनकी रेड नहीं चल रही तो उनको स्टॉप करके दूसरे रेडर को मौका देना चाहिए महाराष्ट्र को। ये आपका आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक एम्प्टी रेड लगाई है गुजरात ने और आदित्य जैसे आपने बताया फिर एक बार आ चुके हैं, 5 का डिफेंस है गुजरात ने। देखिए एक बड़ा ही एक में वहां पर बाहर निकालने की कोशिश थी लेकिन क्या बच गए हैं आदित्य, दो पॉइंट निकाल कर आए हैं, क्या बात है। लेफ्ट कॉर्नर को आगे तरफ खींचा और बाद में रनिंग हैंडल किया लेन लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, और कॉर्नर के ऊपर अटैक करने के बाद सडनली उन्होंने तुरंत ही स्केप किया मिड लाइन के ऊपर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड का अच्छा उपयोग। आदित्य की खास बात है कि आदित्य जब भी अटैक इनिशिएट करता है तो स्केप उनका अच्छा है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन गुजरात देखिए आज बड़ी चतुराई के साथ डू और डाई पर खेल रहा है, अब तो सुपर टैकल का भी चांस है, आकाश यहाँ पर है और यहाँ पर एंकल होल्ड और यहाँ फंसने वाले थे लेकिन आखिरकार जो बाकी के गुजरात के रेडर्स हैं उन्होंने कमाल दिखाया, अच्छे समय पर रिकवर किया और सुपर टैकल कर लिया, दो पॉइंट निकाल लिए है। और अगर यहाँ पर देखे तो गुज्जर और नंबर 5 की जर्सी पहने रौनक कुमार इन्होंने कमाल दिखाया और एंकल होल्ड भी काफी अच्छा तकड़ा था। पंकज लेफ्ट इन है, लेफ्ट इन लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर का सपोर्टर, तो रेडर की नज़र ज़्यादा कॉर्नर के ऊपर जा रहती है और इसी का यहाँ पर अरे रे रे रे, ये क्या सुपर रेड है, नहीं दो पॉइंट मिले हैं, ये क्या हो गया दो पॉइंट्स मिले हैं। अनिरुद्ध गढ़वी आए थे रेड के लिए, यहाँ पर जस्ट हैंटर जी के और सामने जो शंकर गदाई बहुत ही एडवांस टैकल करने की कोशिश, जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लाइन के बाहर रेडर खड़ा था, कुछ जरूरत नहीं थी ये एडवांस टैकल की। यहाँ पर देखिए शंकर गदाई और आदित्य दोनों को शिकार लग बनाया लेकिन असलम ने तुरंत जाकर एक पॉइंट निकाल लिया है, लेकिन गुजरात देखिए पहला जो मुकाबला चल रहा है उसमें कमाल का इन्होंने एक प्रदर्शन किया है, वेरी वेरी इंप्रेसिव, और ये मोमेंटम जो मिला है गुजरात की टीम को ये अच्छा खासा मिला है मैदानी मोमेंटम, अच्छा खासा मिला है लेकिन मोमेंटम महाराष्ट्र को नहीं मिला है पंकज, क्योंकि अगर बात करें तो असलम फेल हो रहे हैं, 4-5 के डिफेंस में उनकी टैकल हो रही है, आकाश शिंदे की टैकल हो रहे हैं, और जिनको पॉइंट्स लेने के लिए उतारा था आदित्य शिंदे, तो शंकर गदाई ने अभी एडवांस टैकल लगाई तो शंकर गदाई और आदित्य शिंदे आउट ऑफ द मैट है, तो अभी उम्मीद महाराष्ट्र को असलम से ही रखनी पड़ेगी कि लगातार वो फेल होते जा रहे हैं रेडिंग में। असलम इनांदर के 7 रेड्स में 2 टच पॉइंट और 3 बोनस पॉइंट, हालांकि उन्होंने 5 पॉइंट लिए लेकिन उनको जो टैकल हुई जिस तरीके से हुई तो वो अपेक्षित नहीं था कि जिस तरीके से उनको टैकल हुई। आपकी बात सुन ली असलम ने मेघाली, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो पेस है रीडिंग का वो थोड़ा सा कम कर दिया है, एक एमपी रेड के साथ आए हैं और गुजरात के पास मौका अनिरुद्ध गढ़वी के रूप में 2 पॉइंट अब तक निकाले उन्होंने रेड में, लगातार जो लेफ्ट कॉर्नर है उसको पकड़ने की कोशिश, लेकिन मयूर कदम देखिए चेहरे पर उनकी पट्टी है, ही इज इंजर्ड लेकिन जाबाज है मयूर कदम, इंजर होने के बाद भी वो पूरा दम दिखा रहे हैं वहां पर। जरूर, और कबड्डी प्लेयर की ये खासियत है जब भी आप इंजर्ड हो आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए, और कबड्डी प्लेयर यहाँ पे महाराष्ट्र के कोच शांताराम जाधव अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला भारत सरकार के तरफ से, बहुत ही एक्सपीरियंस है, शिव छत्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत है ये, और इतने बड़े अच्छे कोच और इनकी गाइडेंस इनको मिल रही है महाराष्ट्र के टीम को, तो शायद से मैं उम्मीद करूंगी कि अभी फर्स्ट हाफ में चलो अंदाज़ा तो नहीं आया गुजरात के इस डिफेंस का, तो बेहतर करेंगे महाराष्ट्र की टीम, ये कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 का डिफेंस है फिलहाल, 1 पॉइंट से आगे चल रहा है गुजरात का, और देखना होगा कि आकाश शिंदे अब क्या कमाल दिखाते हैं, एक बड़ी रेड की जरूरत है, एक बड़ी रेड जिससे ये जो डिफरेंस है इसको पार किया जाए और महाराष्ट्र फिर कहते हैं ना ड्राइवर सीट में आ जाए, लेकिन डू और डाई रेड अब है गुजरात की, 1 पॉइंट का उनके पास लीड है, बोनस तो नहीं मिलेगा क्योंकि 5 का डिफेंस है, गौरव राज पुरोहित फिलहाल रेड पर, ये अब क्रूशियल पॉइंट हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, हाँ ये एक मोमेंट के लिए पूरा ब्लाइंड हो गए थे लेकिन देखिए फंस गए,
यही मैं कह रहा था, फंस गए पूरी तरीके से। ये टैकल और किसने पता नहीं इनिशिएट क्यों किए पंकज, देखो असलम इनामदार खड़े थे या लेफ्ट कॉर्नर के इन पर, और देख सकते हैं किस जी तरीके से वो एडवांस लेवल पे आए और उन्होंने तुरंत ही ब्लॉक किया, और सपोर्ट जिस तरीके से आया संकेत सावंत और किरण मगर का, हालांकि ये टैकल किरण मगर से इनिशिएट होनी चाहिए थी लेकिन असलम ने की। चलो रेड में थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं लेकिन डिफेंस में तो असलम करता ही है, पता है ऑलराउंडर प्लेयर है। और ये यहाँ पर डीप गए और क्या सुपर रेड हो गई है। तो यहाँ दो ही पॉइंट मिले, सुपर हिट होते होते रहेंगे, लेकिन आपने जो जितना बोला था ना सारा सुपड़ा साफ करके वसूल करके आ गए हैं असलम। एक बैकफ्लिप था अच्छी तरीके से वहां पर जो ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन देखिए असलम का स्ट्रेंथ कितना था मेघाली कि उन्होंने अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल झोंक दिया और उस वजह से गुजरात ने जो टैकल करने की कोशिश की थी वो विफल हो गई और हाफ टाइम पर आखिरकार दो पॉइंट की लीड लेकर महाराष्ट्र आगे चल रहा है। रोमांचक पहला हाफ। ये मैच समरी पे नजर डालेंगे तो हाफ में महाराष्ट्र के 21 और गुजरात के 19 रेड पॉइंट्स देखेंगे पंकज, तो महाराष्ट्र के 15 रेड पॉइंट्स है, गुजरात के हालांकि 6 रेड पॉइंट है। टैकल पॉइंट देखेंगे तो गुजरात के ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर 10 टैकल पॉइंट, हालांकि सुपर टैकल सिचुएशन मौजूद थी, डू और डाई रेड थी तभी गुजरात ने फायदा उठाया था डिफेंस में। ऑल आउट पॉइंट्स देखेंगे तो महाराष्ट्र दो एक बार ऑल आउट हुई थी उसके दो पॉइंट, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे ना तो भले ही सक्सेसफुल रेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र का परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप डू और डाई की अगर देखें बात तो वहां पर भी गुजरात ने थोड़ा सा कमाल डेफिनेटली किया है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो टैकल्स हैं इसमें इन्होंने काफी रिकवर किया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के 24 में से 11 जो सक्सेसफुल रेट्स है इस परसेंटेज का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है? अब पहले दे वर लीडिंग 8-2, उसके बाद अचानक से वो 15-13, 15-11 पीछे थे, आखिरकार उन्होंने काफी अच्छा रिकवर कर लिया है। बट गुजरात में तकलीफ तो दी है, लगभग लगभग तेल निकाल दिया महाराष्ट्र की टीम का पहले हाफ में। वही जब टीम टूर्नामेंट में उतरती है, मैट पर उतरती है पंकज, तो थोड़ा कवर कॉम्बिनेशन और सामने की टीम का अंदाज़ा आने को भी थोड़ा टाइम लगता है टीम को, तो सेटल होने के लिए भी टाइम लगता है। लेकिन मैं बता दूंगी गुजरात के डिफेंस की, क्या डिफेंस के ऊपर नज़र डालेंगे यहाँ पे गमित रोनंग के टोटल टैकल्स 4 उन्होंने इनिशिएट किए, 3 टैकल्स उन्होंने सक्सेसफुल और सुपर टैकल उन्होंने 1 सक्सेसफुल की, मतलब आकाश शिंदे को उन्होंने एक बार टैकल किया और आदित्य शिंदे को एक बार उन्होंने टैकल किया, मतलब अच्छे खासे रेडर को शिकार बनाया उन्होंने। बिल्कुल, और ये बड़ा ही मजेदार अब मुकाबला है, अब शुरू हो चुका है। यहाँ पर दो खिलाड़ी सिर्फ हैं गुजरात के, दूसरे हाफ में दो पॉइंट से आगे चल रहा है यहाँ पर, और सुपर टैकल फिर एक बार असलम को घेर लिया गुजरात के खिलाड़ियों ने, सिर्फ दो खिलाड़ी लेकिन असलम को धाराशाही कर दिया। एक जबरदस्त कमबैक हुआ है हाफ टाइम के बाद। ओहो, सुपर टैकल से शुरुआत दूसरे हाफ की गुजरात की, कमाल। यहाँ पर देखा जाए तो असलम का जो प्रयास है जंप करने का मतलब टोटली फेल है, क्योंकि जिस तरीके से वो जंप कर रहे हैं उनकी एनर्जी नहीं लग रही है, और दूसरी बात वो जो स्किल जंपिंग का है वो प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ नहीं कर रहे, एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो एक्शन है वो गलत तरीके से हो रही है और थोड़े से मुझे लग रहा है कि थोड़े से वो थक गए, जैसे कि उनमें स्ट्रेंथ वाइज वो कम नज़र आ रहे हैं मुझे मैट पर। बिल्कुल, देखिए अनिरुद्ध गढ़ी ने उस समय एक जबरदस्त टैकल किया था गुजरात के लिए, फिर एक बार सुपर टैकल का मौका है और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आकाश शिंदे की तीनों ही खिलाड़ियों को एक कॉर्नर में लेकर जाए ताकि उनको आउट करना ही बड़ा मजेदार है यहाँ पर ये मौका। और टक यहाँ पर क्या अपील हुई है, नहीं नहीं कंटिन्यू, फिर एक बार देखिए एक ही कोने में ढकेलने की कोशिश है और क्या रनिंग हैंड टच मिल चुका है यहाँ पर, रनिंग हैंड टच नहीं हुआ यहाँ पर पंकज, जैसे कि अभी बहुत डीप में गए थे, कॉर्नर बैठ गया था नीचे, तो सामने के डिफेंस को हैंड टच भी करे तो सामने से थाई होल्ड इनिशिएट हो रहे हैं कंटिन्यूसली गुजरात के डिफेंस से, तो आकाश को प्रेशर था अगर मैं हैंड टच करने के लिए जाऊँ और अगर थाई होल्ड हो जाए तो उतने डेरिंग से वो बढ़े नहीं कॉर्नर की तरफ, थोड़ा खौफ बना है गुजरात के डिफेंस का महाराष्ट्र के रेडर के ऊपर। ये बात है कि गुजरात को यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना क्लोज आप महाराष्ट्र के स्कोर से बने रहे उतना अंत तक बने रहना है, पता चला एंड में आपको या तो टाई या तो फिर आपको जीतने का मौका मिल जाए,
और यहाँ पर अब सुपर टाइटल का फिर एक बार मौका है गुजरात के लिए, क्योंकि उनके सिर्फ 3 ही खिलाड़ी मौजूद है। क्या अहमदनगर में जो मुकाबले चल रहे हैं, क्या वहां पर जो गर्मी है इस वजह से भी थोड़ा सा एक खिलाड़ियों पर एक हम देख सकते, क्योंकि आपने कहा कि असलम थोड़ा सा मतलब कहते ना कि उनका इंजन जो है इतना आज गर्माया नहीं है, शायद ओवर एग्जर्शन है या फिर कुछ पता नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो आपको पता है, एथलीट की साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि असलम क्यों बार बार टैकल हो रहे हैं थाई होल्ड में। और अगर डिफेंस का देखेंगे गुजरात का, तो उनके के टैकल का जो सिस्टम है पंकज, वो बार बार थाई होल्ड डाइविंग होल्ड ही कर रहे, जितने भी टैकल है वो थाई होल्ड में हो रहे। तो इनको थोड़ा वहाँ पर मतलब ये होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि अभी थाई होल्ड आ रहा है, तो उनको जी, थोड़ा जी, फुटवर्क चेंज करके ही खेलना पड़ेगा रेडर को। चलिए, यहाँ पर आदित्य ने रनिंग हैंड टच निकाल लिया है, कोशिश थी और बहुत अच्छी तरीके से, देखिए उन्होंने बहुत फटाफट जाकर रेड को कंप्लीट किया और पॉइंट निकाला है। पॉइंट्स जीतना यहाँ पर अनिवार्य है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि थोड़ी भी कुताही यहाँ पर वो बरतते हैं, थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं, तो गुजरात फिर एक बार उन पर अटैक करता है। यहाँ पर एंकल होल्ड महाराष्ट्र का लेफ्ट कॉर्नर का, और एक और पॉइंट। तो चलिए, यहाँ पर बोनस का अपील किया जा रहा है, बोनस मिला नहीं मिला? प्रॉपर एंकल होल्ड, परफेक्ट ग्रिप बनाया किरण मगर ने, एंकल होल्ड के लिए वो मशहूर है, और उनके ग्रिप से शायद कोई रेडर निकलता है, तो उसका सपोर्ट भी लाजवाब आया सामने से मयूर कदम का। और ये गुजरात की जी अनिरुद्ध गढ़वी और गुजरात को ऑल आउट करके मेघालय महाराष्ट्र ने वसूल कर लिया अपना पहले पहले हाफ में जो ऑल आउट हुआ था उसकी वसूली हो गई है। तो चलिए, जब महाराष्ट्र ऐसा लग रहा है कि अब दूसरे हाफ में थोड़ा सा उनको एक रिदम मिल गया है, गुजरात की रेट चल रही है 5 पॉइंट से आगे चल रहे हैं फिलहाल महाराष्ट्र, चल रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि चलना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े अच्छे रेडर और डिफेंडर्स है। तो ये अनिरुद्ध गढ़वी जो अभी रेड करके गए, उनके 4 टैकल उन्होंने, वो रेडर भी है साथ साथ, उनका डिफेंस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, 50% स्ट्राइक रेट उनका है, 2 सुपर टैकल उन्होंने सक्सेसफुल की थी। लेकिन अभी बोनस ऑन है, और आकाश शिंदे, मेरे मन में ये सवाल है पंकज, क्योंकि आकाश को अगर 6 और 7 में बोनस ऑन है तो आकाश को जरूर ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आकाश शिंदे बोनस के लिए क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर। ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है आपने, क्योंकि यहाँ पर भी गुजरात के लिए बोनस ऑन है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सेकेंड हाफ में, ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं, और वो जो एक पॉइंट चुराने का, एक्स्ट्रा बोनस लेने का जो मौका है ना, वो पूरी तरीके से कहते ना कि एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हमने देखा गुजरात का भी खिलाड़ी बोनस के लिए जा नहीं पाया। आदित्य, अगली रेड के लिए बोनस ऑन जरूर है, क्या हमारी बात वो सुन के बोनस चुराएंगे? जी देखिए, सुन ली हमारी बात उन्होंने, जहाँ वहाँ पर नजर पड़ती है यहाँ से भी नजर पड़नी चाहिए पंकज, क्योंकि जहाँ पर बोनस ऑन है और आप इतने प्रतिभाशाली रेडर है, आपका उसमें हाथ खंडा है कि आप बोनस लेते हो जितनी भी टूर्नामेंट है, प्रोफेशनल लीग है, तो आकाश से यही उम्मीद है कि, और यहाँ पर उम्मीद पे उतरे शंकर गदाई, आदित्य शिंदे थे वहाँ पर, और ये कोचेस जो को कम बैक कर रहे हैं, महारसे ने कम बैक किया भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं बोनस का प्रयास था, और एंकल होल्ड में आ गए, आदित्य ने एंकल होल्ड किया वहाँ पर, शंकर गदाई का थाई होल्ड, और पूरा सपोर्ट आ गया डिफेंस का। जी जी, 1 से भले 2 चूना लगा दिया यहाँ पर, बढ़िया ब्लॉक, और यहाँ पर असलम इनामदार को धाराशाही कर दिया है, बहुत जबरदस्त थाई होल्ड पीछे से बिल्कुल, जब अच्छा बोनस भी निकाला, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि असलम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन एक बहुत बढ़िया टैकल गुजरात की तरफ से राइट कॉर्नर का। देखिए, बोनस अगर कर रहा था असलम, तो दोनों थाई में उन्होंने डाइविंग होल्ड लगाया, क्योंकि पता है कि अगर असलम को सिंगल थाई होल्ड लगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर संदीप गुजर है गुजरात से, लेफ्ट साइड से रेड कर रहे हैं, और संकेत सावंत बहुत एक्सपीरियंस डिफेंडर सामने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एम्प्टी हैंडेड उनको जाना पड़ेगा और जाएंगे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात पिछड़ रही है। यही बात मैं कह रहा था कि देखिए 7 पॉइंट का अंतर है दोनों ही टीमों में, मेघालय गुजरात को कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना कम अंतर रखा जाए अंत तक, तब जाकर बात बनेगी, बिकॉज वो बहुत बड़ा अगर अंतर होगा तो उसको वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसी बीच बहुत बढ़िया एंकल होल्ड, साथ में बहुत अच्छा
लेफ्ट कवर अच्छा सपोर्ट और दबोच लिया वहां पर आदित्य शिंदे को। इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए गुजरात को वापसी करनी पड़ेगी। आदित्य के फुटवर्क का उन्होंने अंदाजा लिया, लेफ्ट कवर पे खड़े थे, उन्होंने बनाया एंगल और तुरंत ही शॉट ब्लॉक किया। अच्छा शॉट ब्लॉक था, लेकिन गौरव राज पुरोहित रेड कर रहे हैं यहाँ पर, पांच का डिफेंस बोनस तो ऑन नहीं है पंकज। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आदित्य जैसा रेडर अगर इतने शॉर्ट ब्लॉक में फंसता है तो क्या वो आपके हाथ का इस्तेमाल करके टर्न करके निकल सकता है? लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि इतना सडन अटैक आएगा कवर का उसके ऊपर। करेक्ट, लेकिन बोनस निकाला है इस बार आकाश ने, इस रेड में बोनस निकाला है, बहुत अच्छी बात है। और गुजरात यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अब जो ये 7 पॉइंट का अंतर है इसको कैसे कम किया जाए। डू और डाई है यहाँ पर, राज पुरोहित है फिलहाल, रेडर डीप में चले गए, मयूर कदम ने उनको ब्लॉक किया लेकिन क्या एस्केप कर गए। जी हाँ, मयूर कदम अकेले ही वहां पर आगे बढ़ गए, मेघाली ब्लॉक करने के लिए सपोर्ट नहीं था, तो गुजरात का ये डू और डाई का जो मामला था ये चल गया। गौरव ने तो दिखाया कि मैं किक कर रहा हूँ, लेकिन उसने किक किया नहीं, उनको मजबूर किया डिफेंस को आने के लिए। वो तो राह देख रहे थे कि डिफेंडर आ जाए मैं निकल जाऊँ, तो थोड़े पेशेंस रखने जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आकाश शिंदे को थोड़ा गियर उन्होंने बढ़ा दिया है, सेकंड से थर्ड गियर में चले गए हैं और बोनस पॉइंट वो ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए कि देर आए दुरुस्त आए। Yes, लेकिन गुजरात के पास अभी भी मौका है ऑल आउट करने का, और ये अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि अगर उनको ये 7 पॉइंट का अंतर एडजस्ट करना है तो एक ऑल आउट जैसा या फिर सुपर रेड जैसा धमाका करना पड़ेगा। समय निकलता जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का सिर्फ एक 53% टैकल का सक्सेस रेट रहा है जो नॉर्मली ज्यादा रहता है, लेकिन आज पहला ही मैच है तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए इस टूर्नामेंट में वो अपना टैकल रेट कितना इंप्रूव करेंगे। आकाश रेड पर है और यहाँ पर फंसा दिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेड थी आकाश की, हाँ जरूर ये आकाश की बहुत ही इम्पोर्टेंट रेड थी। किस तरीके से उन्होंने किक किया, लुक एट दिस, और स्केप भी किया, काबिले तारीफ है किक। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किक थी क्योंकि असलम और आदित्य आउट ऑफ द मैट थे। अगर इस बार आकाश शिंदे फंस जाते तो शायद से ये रेडर ये डिफेंस क्या हो रहा है महाराष्ट्र का डिफेंस। यहाँ पर एक एक पॉइंट मिला है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा कि क्योंकि गुजरात का जो एस्केप करने का मौका था वहां पर करते समय उन्होंने पॉइंट तो निकाला रेडर ने, लेकिन महाराष्ट्र का एक जो डिफेंडर है वो बाहर निकल गया, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ शायद। हाँ हाँ जरूर पंकज, एक डिफेंडर भी आउट ऑफ बाउंड गया। लेकिन जिस तरीके से आकाश आज अभी मैच्योरिटी के साथ थोड़ा वापस आ रहे हैं, इसी उम्मीद यही उम्मीद है आकाश की, आकाश को और महाराष्ट्र को भी। उनकी 49% रेड सक्सेसफुल साइक रेड और ये सुपर रेड, यही ही देखना था यार। ये क्या बात है, ये दादा सो अवार्ड बता रहे कि 4 रेड पॉइंट है और कितने गिनने पड़ेंगे पंकज, हमें यहाँ रेफरी भी गिन रहे हैं। क्या यहाँ पर ये प्रयास था और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि एक ना एक धमाल हंगामा करना पड़ता है, ये बहुत ही जबरदस्त। और इसको कैसे, जी हाँ सुपर रेड, सुपर नहीं सुपर के ऊपर वाली रेड थी ये। यस, और जिस तरीके से मुझे लगा कि देख सकते हैं थाई होल्ड किया था, एस्केप किया, वापस से एंकल होल्ड से छूटे, और ये देखने लायक था। मतलब डिफेंडर भी बच रहे थे कि मैं ना आउट हो जाऊं, और ये 4 बेंच पे बैठ गए गुजरात के डिफेंडर। कमाल का मोमेंट है ये महाराष्ट्र के लिए, मतलब अभी सेटल हो जाएगा महाराष्ट्र का डिफेंस भी थोड़ा। यहाँ पर गुजरात के 4 नंबर जर्सी वाले रोहित की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उनको जब मौका था उनको डर लग रहा था कि वो टच हो जाएगा, इस वजह से वो अपनी टीम को बचा नहीं पाए, वरना वहां पर महाराष्ट्र के उस रेडर को रोकने का मौका था रोहित के पास। लेकिन अब ये देखिए 12 पॉइंट का लीड है, अब तो मतलब देखिए कमाल हो गया। और मेघाली जी, जो आप शुरुआत में कह रही थी ना वो समझ में आ रहा है मुझे, आप महाराष्ट्र की सपोर्टर लग तो रही थी और महाराष्ट्र की टीम जीत भी रही है। देखिए सुपर 10 कर लिया आज आकाश ने, 13 रेड पॉइंट्स और ये 14 भी हो जाएंगे पंकज, और ये ऑल आउट और दूसरी बार ऑल आउट। चलो गुजरात वालों ने एक बार ऑल आउट किया, भाई हम भी 2 बार करेंगे, मतलब सूद समेत लौटा देते हैं, ऐसा कुछ महाराष्ट्र का मंत्र रहेगा। जी 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 जिस तरीके से लग रहा था, देखिए पहले 20 मिनट में
और उसके बाद दूसरे हाफ में भी लगभग 5-7 मिनट तक गुजरात ने एक बहुत अच्छे तरीके से अपना होल्ड बनाया था। इसी बीच एक रनिंग हैंड टच वहां पर डाइव लगाकर पॉइंट मिला है गुजरात को, लेकिन वहां पर असलम मना कर रहे हैं, वो कह रहे कि मेरे को टच ही नहीं किया आपने। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जर्सी को टच होता भी है लेकिन डिफेंडर को पता नहीं चलता, प्लेयर को पता नहीं चलता, तो वो इनोसेंटली असलम कह रहा था कि मुझे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ मुझे लग रहा है कि आदित्य शिंदे की टैकल पंकज जरूरत नहीं थी एक्चुअली, बहुत आगे गए, आगे जाने के बाद उन्होंने पीछे ध्यान नहीं था कि डिफेंस से कोई आ रहा है, देख सकते जैसे सेंटर जोन से वो आगे बढ़े और सडन अटैक, बहुत बकलाइन के बाहर था, मानना पड़ेगा ये एडवांस टैकल। जी जी, लेकिन बहुत अच्छा था और एडवांस टैकल जिस तरीके से किया। यहाँ पर अनिरुद्ध है जो अब फिलहाल रेड पर, लेकिन गुजरात के लिए बड़ी मुश्किल क्योंकि 14 पॉइंट की लीड, अब ये इसको पाट पाना इस बचे हुए टाइम में बड़ा मुश्किल है। और महाराष्ट्र ने एक अच्छे अंदाज में वापसी की है सेकेंड हाफ में, और ये उनकी स्ट्रेंथ है। आप जो बार बार कह रही है ना, डिफेंस और अटैक दोनों का एक अच्छा मिश्रण महाराष्ट्र का आज सेकेंड हाफ में खासकर देखने को मिला है, सेकेंड हाफ में और आगे भी देखने को मिलेगा। और ये टो टच का अपील कर रहे हैं आकाश शिंदे लेफ्ट कवर को गुमराह किया उन्होंने, फुटवर्क में फंसाया और इजीली टो टच किया और शायद से रेफरी देंगे, और यस यस रेफरी ने दिया आकाश शिंदे को, एक क्लीन स्मूथ टो टच था। व्हाट अ मूवमेंट पंकज, मतलब मैं वापस रिप्ले देखने को मिलेगा तो उसमें मजा आएगा। नजाकत थी, बिल्कुल सही कहा आपने, नजाकत थी उस टो टच में। और यहाँ पर अब बोनस की कोशिश है, सबसे पहले राजपुरोहित जो यहाँ पर रेड कर रहे हैं गुजरात की तरफ से, और गुजरात ने पिछले 5-1 मिनट में कोई पॉइंट उनको बनाने का मौका ही नहीं मिला है, ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा फंस गए अपने ही, थोड़ा सा एक एक जाल में फंस गए। एक तो आकाश शिंदे ने बोनस लेके गया, ऊपर से सुपर रेड हो गई, ये उनके लिए बहुत झटका था, मतलब उन्हें पता है कि हम लोग कमबैक करने के लिए किस हद तक मतलब कितने पॉइंट्स तक हम लोग कमबैक कर सकते हैं, नेवर नो। लेकिन कबड्डी है, जब तक विजल नहीं बचती तब तक पता नहीं, और ये शायद डू और डाई रेड है। और असलम क्या हो रहा है यहाँ पर पंकज? अब ये डू और डाई रेड है गुजरात की तरफ से, क्योंकि अब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा गया, 15 पॉइंट का डिफरेंस आप कितना करें। और यहाँ पर अच्छा ब्लॉक मयूर कदम का, लेकिन क्या खींच लिया पीछे, मयूर कदम ने बड़ा एक एडवांस ब्लॉक किया था, लेकिन क्या यहाँ पर, जी जी मिल गया है मौका, जो एंकल होल्ड करके लेफ्ट कॉर्नर में खींचा ना उससे बच गए, वरना मयूर कदम थोड़ा फंस गए थे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है, और जिस तरीके से किरण मगर ने तुरंत ही इमीजिएटली सपोर्ट किया, यहाँ पर सौरभ राउत आए हैं, सब्स्टिट्यूट हैं यहाँ पर, उतारा ही इन्हें अभी मैट पर, कि इनकी भी प्रतिभा देखनी पड़ेगी, आंकनी पड़ेगी कि कहाँ तक इनकी रीच है, क्योंकि ये भी नए हैं महाराष्ट्र के स्क्वाड में। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र ने भले ही पहले हाफ में थोड़ा सा झटका मिला उनको, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जैसे आपने कहा सूद समेत निकाल लिया, इस बार लेफ्ट कॉर्नर एंकल होल्ड में फंस गए और रेडर ने वहां पर पॉइंट चुरा लिया गुजरात के लिए। बड़े समय के बाद गुजरात के लगभग 5-7 मिनट के बाद गुजरात को एक पॉइंट मिला है। रेडर ने एक तो बोनस पे ट्राई नहीं किया था, जस्ट दिखाया था फंसाने की कोशिश और वो सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पर सौरभ अपील कर रहे हैं कि हैंड टच किया है, शड्डू मार के टाई ठोक के बोल रहे हैं कि हैंड टच किया है। और यहाँ पर गुजरात के कप्तान कह रहे हैं कि सॉरी बॉस टच नहीं हुआ है। ये बड़ा मजा आता है जब खिलाड़ी बड़े जोश में कसम लेता है कि मैंने, मुझे नहीं लगाया, लेकिन रेफरी ने पॉइंट दे दिया महाराष्ट्र को। यहाँ पर तो बोनस ऑन थी लेकिन अच्छा हैंड टच था सौरभ का, और गुजरात के अनिरुद्ध गढ़वी जो अच्छे खासे पॉइंट्स लेके गए हैं गुजरात के टीम के लिए, और ये नहीं वापस से हम पॉइंट नहीं देंगे। यहाँ पर मयूर कदम सामने, अगर आप बार बार वही अगर स्किल करते हो किसी डिफेंस के सामने तो डिफेंस को भी अंदाजा आ ही जाता है कि रेडर को किस तरीके से टैकल करना है। आप पहले रेड में किरण मगर के सामने से आप पॉइंट लेके गए, लेकिन बार बार डिफेंस वो गलती दोहराएगा नहीं। देखिए, एक तो मयूर कदम एक इतने बड़े बुलडोजर, ऊपर से उनको सपोर्ट कर रहे संकेत सावंत, तो ये डबल बुलडोजर कैसा रेडर बचेगा, वो तो बाहर जाना ही जाना है।
और महाराष्ट्र ने एक बहुत जबरदस्त और मुझे अब लगता है कि एक अजेय बढ़त ले ली है, क्योंकि इस मुकाबले में अब वापसी करना गुजरात के लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने टाइम आउट जरूर लिया था, लेकिन मैं वही कह रहा था ना मिघाली आपसे कि गुजरात को कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज रहे महाराष्ट्र के स्कोर से। एक बार वो कड़ी टूट गई फिर महाराष्ट्र को कवर करना गुजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, पूल भूमि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात है, और पूल के जो मैचेस रहे थे वो कट टू कट रहेंगे। तो अगर हार भी जी रहे तो आप कितने पॉइंट से हारे वो भी मैटर करता है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सी टीम कितने पॉइंट से जीती है, कितने पॉइंट से हारी है। करेक्ट, क्योंकि हर ग्रुप से दो टीमें ऊपर जाएंगी नॉकआउट में। इसी बीच एक फटाफट बोनस ने ये टो टच है जो फटाफट गुजरात ने आकर लेफ्ट कॉर्नर पर धावा बोला, थोड़ा सा वो एक फंस गए वहां पर किरण मगर थे शायद, और वहां पर टो के चक्कर में उन्होंने हैंड टच कर दिया। तो यहाँ पर अब डेस्परेशन है फिलहाल गुजरात का और कुछ नहीं, क्योंकि 16 पॉइंट की बढ़त मिल चुकी है महाराष्ट्र को आदित्य फिलहाल रेड पर। आदित्य की तो मतलब थाई होल की टैकल हो चुकी, ब्लॉक भी हो चुकी है, लेकिन अभी आदित्य थोड़े स्लो खेलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है पंकज कि इनके पास अभी लीड है महाराष्ट्र के टीम के जी पास, तो शायद वो डू और डाई रेट पे खेलेंगे। उनको ज़रूरत भी नहीं है इतना प्रयास करने की, अंदर घुस के पॉइंट लेने की जरूरत है गुजरात के टीम को। करें यहाँ पर डाइव लगाकर टच मिला है, बहुत एक्रोबैटिक अंदाज में अपना बिल्कुल एक बैलेंस बदलते हुए वहां पर राज पुरोहित ने टाइम लगाई और एक पॉइंट निकाल लिया है। तो गुजरात के लिए एक कॉन्सोलेशन ही सही, क्योंकि कवर अप करना तो बड़ा मुश्किल है, उनके इतने टायर पंचर हो चुके हैं इस हाईवे पर कि अब डेस्टिनेशन बड़ा दूर है, लेकिन अब डू और डाई है ये महाराष्ट्र के लिए। यहाँ पर सौरभ मौजूद है महाराष्ट्र की तरफ से, और ये हैंड टच दूसरा, मिल पहले गया। तो राइट कॉर्नर को भी किया था और अभी राइट कवर को निशाना बनाया। एक्चुअली वो डीप खड़े गए खड़े रहे, स्टांस लिया उन्होंने कॉर्नर में, और राइट कवर तो आगे आता ही है। जी यहाँ पर टाइम आउट लिया है, शायद सब्स्टिट्यूशन होगा महाराष्ट्र की महाराष्ट्र तरफ ने से। हाँ, जी क्योंकि जी शायद से अभी और अरकम शेख और शायद से प्रणय तो नहीं है, हर्ष लाड आएंगे शायद से सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जब कैमरा घुमाया था तो हर्ष लाड और अरकम शेख मुझे थोड़े रेडी पोजीशन में दिखे थे। अच्छा, तो मेघाली आपका ये कहना है कि महाराष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि अच्छी लीड मिल चुकी है तो क्यों ना सारे खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाए, सबका एक मैच टाइम थोड़ा मिलेगा तो टूर्नामेंट में सबके लिए अच्छा होगा। हाँ ज़रूर, क्योंकि जब भी आप कैंप में प्रैक्टिस करते हो तो उसका कॉम्बिनेशन अलग रहता है, और जब आप मैच में उतरते हो मैट पर तो वो कवर कॉम्बिनेशन और वो कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो ये अच्छा मौका है महाराष्ट्र को कि आपके बाहर के जो प्लेयर हो ऑन द मैट मैच पर किस तरीके से कॉम्बिनेशन करके खेलते हैं, किस तरीके से वो रेडिंग में काम करते हैं, तो ये देखने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत लीड ले चुकी है महाराष्ट्र। जी ठीक है, असल में वहां पर समय निकाल रहे हैं, उनको पता है लीड मिल चुकी है, बस अपने को अब एक फॉर्मेलिटी है, अपने को रेड पूरी करनी है, एंड दैट इज ही ट्राइंग टू डू दैट विद अ 16 पॉइंट लीड। गुजरात ने हालांकि पहले हाफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरीके से कवर अप किया, सूद समेत वसूली जैसा आप कह रही हैं वैसा कर लिया, फिर एक बार लेफ्ट कॉर्नर का एक एंकल होल्ड करने का खराब, एक थोड़ा सा आलस भरा प्रयास था जिसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ा, गुजरात को मिल गया एक पॉइंट। हर्ष लाड आए थे, किरण मगर को बाहर निकाल के सब्स्टिट्यूट किया था हर्ष लाड को, एक्चुअली जरूरत नहीं थी। पिछले जितने भी पॉइंट्स रेडर गुजरात के लेके जी गए जी इसी तरीके से लेके गए कि दिखाते कि मैं बोनस कर रहा हूँ, लेकिन करते नहीं है। और ये प्रयास बैक होल्ड डाइव, का ओहो एडवांस कुछ ज्यादा ही होल्ड था। लेने की जरूरत, हालांकि आकाश इतने बहुत ही बाहर थे बकलाइन के ऊपर, जरूरत नहीं थी। लुक जी एट दिस, जस्ट टो टच का उन्होंने दिखाया कि मैं टो टच कर रहा हूँ और वो इजीली आ गए। ये देखिए, गुजरात अब कोशिश करेगा कि जितना हो सके उतना कम करें। इस बीच बढ़िया ब्लॉक, और यहाँ पर शायद महाराष्ट्र का खिलाड़ी भी बाहर आ चुका है, बच गए। मुझे ऐसा लगा कि जो साइड की जो लाइन थी उससे भी बाहर निकल गए थे संकेत सावंत, लेकिन बच गए, अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को रोका उस मामले में, और बहुत अच्छी तरीके से धकेल दिया रेडर को बाहर। ये बड़ा जरूरी होता है मेघाली की इस पूरे मोमेंटम में आप कहीं बाहर ना निकल जाए।
नहीं, लेफ्ट इन पे आदित्य शिंदे खड़े थे और इनिशिएटिव आदित्य शिंदे ने लिया था वो, और सपोर्ट के लिए अर्कम शेख जो सब्स्टिट्यूट आए हैं और संकेत सावंत का सपोर्ट बढ़िया था, तो लेफ्ट इन से उन्होंने रनिंग करके बैक डैश किया और रेडर को बाहर निकाला। यहाँ पर सौरभ राउत मौत है रेडिंग के लिए आए, लेकिन ज़रूरत नहीं तो वो भी कोशिश नहीं करेंगे पंकज, ज़रूरत है गुजरात को, तो गुजरात करेगी भी तो कितनी कोशिश करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का डिफेंस इतना भी ये नहीं है कि इतने लीड गमा दे। करे ये बात बिल्कुल सही कही आपने, और इसीलिए गुजरात के जो खिलाड़ी है अनिरुद्ध गढ़वी फिलहाल रेड पर हैं, तो उनको ये पता है कि ये देखिए कुछ ही पल रह गए इस मुकाबले में, तो ज्यादा कुछ होना है नहीं, और इसीलिए उन्होंने भी एक एम्प्टी रेड डाली है। असलम क्या ये एक और ऑल आउट कर देंगे, क्योंकि चार ही खिलाड़ी फिलहाल मौजूद है और महाराष्ट्र ने जो भी कुछ कवर अप करना था, जो भी कुछ कॉम्पनसेट करना था पहले हाफ में, जो उनका थोड़ा सा एक स्लो एक आउटलुक था उसको उन्होंने काफी अच्छी तरीके से दूसरे हाफ में कवर कर लिया है। देखिए 17 पॉइंट की लीड कमाल, जहां पर कट टू कट चल रहा था हाफ टाइम तक, महाराष्ट्र ने बिल्कुल एक रॉकेट जो है ना वो छोड़ दिया दूसरे हाफ में, और इसी के साथ ये जो मुकाबला है ये समाप्त होता हुआ। महाराष्ट्र ने एक शानदार अंदाज में 48 बनाम 31 यानी कि 17 पॉइंट की एक बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल कर ली है, और अपने इस 70वें सीनियर मेंस नेशनल चिप के अपने कैंपेन को अपने आगाज के साथ आगाज को अच्छी अंजाम दिया है, और यहाँ पर जो इस मुकाबले को देखने दर्शक आए थे उनको भी शानदार जानदार कबड्डी का मुजहरा यहाँ पर देखने को मिला। गुजरात ने भी पहले हाफ में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन महाराष्ट्र के अनुभव के सामने बहुत मुश्किल हो गई। अगर हम देखें तो देखिए मयूर कदम के 4 टैकल पॉइंट हुए पर आकाश शिंदे के 16 पॉइंट, अगर कुल मिलाकर देखें तो रेड पॉइंट्स में देखिए महाराष्ट्र कितना आगे चल रहा है। टैकल में गुजरात ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन वो जो 2 ऑल आउट हो गए उनके उससे काफी मुश्किल हो गई। 4 सुपर टैकल के पॉइंट्स वहां पर मिले गुजरात को, लेकिन रनिंग में इतना दम नहीं था जिस वजह से वो इतना सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाए महाराष्ट्र की टीम को। अगर डिफेंडर की बात करें तो कदम वॉज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच, और ये जो पहला मुकाबला है ये शानदार अंदाज में महाराष्ट्र ने जीत लिया है। तो गुजरात का जो एक चैलेंज था पहले हाफ में हमें लगा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दूसरे हाफ तक जबरदस्त अंदाज में कवर अप कर लिया। और मेरा भी आकाश शिंदे 16 पॉइंट, यस आकाश शिंदे की का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 20 रोड टोटल रेड उन्होंने की है और 16 पॉइंट्स उन्होंने, व्हाट अ स्ट्राइक रेट पंकज, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब जिस तरीके से उन्होंने एस्केप किया है, एंकल होल से बच निकले हैं वो, और गुजरात का कड़ा डिफेंस जिसने शुरू में है असलम को धमकाया, आदित्य को धमकाया और आकाश को भी आजमाया, लेकिन बाद में जिस तरीके से आकाश ने कमबैक किया मैच में, वो सुपर रेड आकाश की कमाल की थी, जहां 4 पॉइंट वो लेके आया और गुजरात इजीली ऑल आउट हो गया, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस आज आकाश शिंदे का, आकाश शिंदे के वजह से इतना स्कोर डिफरेंट आज देखने को मिल रहा है, और ये नज़र पड़ेगी तो ये डिफेंडर बेस्ट डिफेंडर मैं कहूँगी कि मयूर कदम, 5 टैकल इन्होंने किए टोटल टैकल, हाई फाई उनका, और 80% सक्सेस स्ट्राइक रेट उनका है, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है, नेशनल गेम का एक्सपीरियंस उनके पास है, स्ट्रेंथ उनकी अच्छी है, और बड़े बड़े रेडर को उन्होंने पहलाया, जिस तरीके से देखेंगे तो मयूर ने 4 टैकल पॉइंट्स लिए, गौरव है किशन है अनिरुद्ध है, गुजरात के सब रेडर को उन्होंने पावरफुली टैकल किया। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात की तरफ से देखें तो उनके डिफेंस में ज्यादा पॉइंट निकले, लेकिन जो सुपर 10 लगाया आकाश शिंदे ने, और मयूर कदम की जो आपने बात की कमाल है, उनके चेहरे पर चोट लगी हुई है लेकिन फिर भी उन्होंने एक जबरदस्त अंदाज में, तगड़े अंदाज में उन्होंने टैकल्स किए, एंड ही हैज टर्नड आउट टू बी द बेस्ट डिफेंडर ऑफ दिस मैच। तो चलिए महाराष्ट्र का जो कैंपेन है इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है मेघाली, आज के इस मुकाबले को अगर हम देखें तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है पंकज, लेकिन आगे अभी और चैलेंजेस बढ़ेंगे और आगे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 70 सीनियर नेशनल है और सब इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें शामिल होते हैं,
और आगे की मैच पंकज, आगे का मुकाबला चंडीगढ़ वर्सेस तेलंगाना, बढ़िया मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, और इस मुकाबले के साथ हम आएंगे आपके साथ, लेकिन इस मुकाबले में बस इतना ही। जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में मुकाबला हुआ था, इसमें महाराष्ट्र ने जीत दर्ज कर ली है और मैच नंबर 6 कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, चंडीगढ़ वर्सेस तेलंगाना एट द 70th सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप। तो पंकज और मेघाली को दीजिए इजाजत, कुछ ही पलों में हम फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे विद द लाइव एक्शन।